दीपक आपको आवाज आ रही मेरी? दीपक आप सुन पा रहे मुझे? चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से हम जुड़ेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली से आपको बता रहे हैं। पीएसी सदस्यों के साथ मुलाकात चल रही है, प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों की मुलाकात हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन से रणदीप सुरजेवाला मिले हैं, उन्होंने मुलाकात की है। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात चल रही है। कल हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, इसको लेकर ये मुलाकात बड़ी खबर आपको बता रही है। बड़ी जानकारी दिल्ली से, बड़ी खबर कांग्रेस के में से सामने आ रही है। कल हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है और इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से ये मुलाकात, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन से रणदीप सुरजेवाला ने मुलाकात की है। तो प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों की मुलाकात हो रही है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, कांग्रेस के में से बड़ी खबर सामने आ रही है। दीपक शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस बैठक को लेकर, इन मुलाकातों को लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं वो तमाम पीएसी के सदस्यों के साथ चर्चा कर रहे हैं। चर्चा की जा रही है कि जो पीएसी के तमाम सदस्य हैं, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके साथ चर्चा की जा रही है जो उनके पसंदीदा दावेदार हैं। वो अगर किसी का नाम रिकमेंड करना चाहते हैं अपनी तरफ से प्रदेश कांग्रेस के नेता, तो वो यहाँ का रिकमेंड कर सकते हैं। उनके अनुसार उनके क्षेत्र में क्या है या फिर वो प्रदेश में कौन कौन सी सीट पर कौन से चेहरे चाहते हैं, उसको लेकर के अपने नाम यहाँ पर रख सकते हैं, जिसको लेकर के दिल्ली में आपको दिखाना चाहेंगे। 34 GRG पे ये बैठक चल रही है, जहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं, जो वो तमाम सदस्य जो हैं प्रदेश कांग्रेस के, जो पीएसी के अलग अलग सीनियर नेता हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। नामों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है। जो अगर बात करें तो जो पीएसी के सदस्य अपने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन भेज रहे हैं, जिस तरीके से आज हम बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नाम सामने रखे। उसी तरीके से सोनीपत के सांसद यहाँ पर पहुँचे थे, अलग अलग नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। कल भी हमने देखा कैप्टन अजय यादव की बात करें, कैप्टन अजय यादव यहाँ पर पहुँचे थे, उसी तरीके से महेंद्र प्रताप यहाँ पहुँचे थे। तो जो तमाम प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो अपनी तरफ से अपनी रिकमेंडेशन, जो जिसको किसी के नाम की यदि पैरवी करना चाहते हैं कि इसको यहाँ पर टिकट दी जाए, तो उन नामों को लेकर के अपनी बात पीएसी के सामने रखना चाह रहे हैं, या किस तरीके की सोच है उनकी उम्मीदवारों को लेकर, उस पर चर्चा यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि कल से स्क्रीनिंग कमेटी पैनल बनाएगी, पैनल पर चर्चा करेगी, पैनल जो कि उम्मीदवारों के पैनल होंगे उस पर चर्चा की जाएगी, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहेंगे, उदय भान मौजूद रहेंगे, दीपक बाबरिया मौजूद रहेंगे स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ। लेकिन उनसे पहले आज पीएसी के जो सदस्य हैं, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ अलग अलग यहाँ पर चर्चा की जा रही है। जी दीपक, आप बने रहे हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें एक और बड़ी जानकारी, उसके बाद मैं आपके पास एक बार फिर से लौट कर आ रहा हूँ। तो एक और बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है इस वक्त, एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में तारीख के बदलाव की अर्जी को लेकर ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 25 सितंबर या 7 अक्टूबर को लेकर चर्चा की गई है चुनाव कराने के लिए। बीजेपी इनेलो ने चुनाव की तारीख में बदलाव की मांग की है। लगातार छुट्टियों के चलते कम मतदान का हवाला दिया है, मतदान का प्रतिशत कम हो सकता है, ये हवाला बीजेपी और इनेलो की तरफ से दिया गया है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव की अर्जी को लेकर ये खबर, बदलाव की अर्जी को लेकर चुनाव आयोग की बैठक खत्म हो गई है। तो इस अर्जी पर चुनाव आयोग की बैठक हुई, 25 सितंबर या फिर 7 अक्टूबर को लेकर चर्चा की गई है चुनाव के लिए। बीजेपी और इनेलो की तरफ से चुनाव की तारीख बदलने की मांग की गई है। लगातार छुट्टियां पड़ रही हैं, इस वजह से वोटिंग परसेंटेज में असर पड़ सकता है, ये हवाला दिया गया था। दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या संभावनाएं हैं चुनाव की तारीखों को लेकर? जी बिल्कुल, आज चुनाव आयोग की बैठक थी, चुनाव आयोग की बैठक जिसमें जो अर्जी आई थी, प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं
उनकी तरफ से शुरुआती अर्जी आई थी, उसके बाद इनेलो की तरफ से भी अर्जी आई थी। लेकिन यहाँ अर्जी की बात की जाए, एक अर्जी ये थी कि जो छुट्टियाँ हैं उसके चलते तारीखों को बदलाव किया जाए, उसे थोड़ा आगे बढ़ाया जाए क्योंकि उस दौरान छुट्टियां हैं। लेकिन उसको लेकर के आज चुनाव आयोग ने चर्चा करी, उसमें ना के उसके बाद हरियाणा के जो चुनाव अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे थे। लेकिन यहां दो तारीखों को लेकर के विचार किया गया था कि अगर एक तारीख को बदला जाता है तो उसके जगह कौन सी तारीख होनी चाहिए। पहले एक 7 अक्टूबर को लेकर डिस्कशन किया गया, लेकिन 7 अक्टूबर में एक दिक्कत ये भी सामने आ रही थी कि 7 अक्टूबर को अगर मतदान होता है तो मतगणना की तारीख जो 4 थी अब उसे भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के फिर नतीजे भी अलग आएंगे, अलग से मतगणना होगी। ये कहीं ना कहीं एक सामने समस्या आ रही थी। उसके बाद एक और तारीख पर विचार किया गया कि अगर इसको पोस्टपोन के बजाय प्रीपोन किया जाता है, यानी कि पहले किया जाए तो कब किया जा सकता है। ऐसे में 28 और 29 की छुट्टी है तो उससे पहले 25 तारीख को लेकर के भी यहां पर चर्चा की गई है कि 1 अक्टूबर से पहले 25 तारीख को ही 25 सितंबर को ही मतदान किया जाएगा तो क्या किया जा सकता है। क्योंकि उसके लिए अगर बात करें तो हालांकि जो नामांकन की प्रक्रिया वो तो 5 तारीख से शुरू हो रही है, 12 तारीख तक रहेगी, उसके लिए समय जरूर बचता है। लेकिन ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के सामने जरूर चुनौती आएगी अगर 25 सितंबर को ही वोटिंग होती है तो, क्योंकि ऐसी स्थिति में कम से कम 4 अक्टूबर को मतगणना एक साथ हो सकती है। लेकिन अभी कोई निर्णय फाइनल नहीं किया गया, तमाम डिस्कशन की गई थी, उसमें हरियाणा के चुनाव अधिकारी भी थे, इसके अलावा केंद्र की तरफ से भी अगर बात करें तो चुनाव आयोग के चुनाव आयोग से ही तमाम अधिकारी मौजूद थे। तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई थी यहाँ पर 7 अक्टूबर को भी और 25 सितंबर को भी, और 1 अक्टूबर जो है उसी को ही कंटिन्यू रखते हैं तो उस पर कितना फर्क पड़ता है वोटिंग परसेंटेज पर, इसको लेकर चर्चा की गई थी। एक बात रखी गई कि वोटिंग परसेंटेज अधिक से अधिक हो, मत प्रतिशत बढ़े, ये चुनाव आयोग की चुनौती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो सके, लोग अपने घरों से बाहर आए वोटिंग के लिए, इसको लेकर के भी चर्चा की गई थी। तमाम चर्चाओं के बाद अब बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या निर्णय रहता है इसको लेकर के कुछ देर के बाद बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति चुनाव आयोग आज अपनी जारी करेगा कि इस तारीख को लेकर के अब चुनाव आयोग अपनी एक विचार करेगा और उसके बाद तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन जो जानकारी आई है 7 अक्टूबर को लेकर के अधिक पॉजिटिव चर्चा नहीं रही, उसकी बजाय 25 सितंबर को लेकर के जरूर चर्चा रही कि 25 सितंबर ही रहे या फिर 1 अक्टूबर रखा जाए। यहाँ ऑप्शन रखी गई थी 1 अक्टूबर को अगर चेंज करते हैं तो क्या हो सकता है, 7 अक्टूबर या 25 सितंबर, दो और तारीखें उनके सामने आ रही थी। लेकिन 1 अक्टूबर पे कितना फर्क पड़ता है ये तमाम बातें यहाँ पर देखी गई हैं। और उसके बाद अब प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से चुनाव आयोग अपनी बात रखेगा कि क्या उसे वो 1 अक्टूबर को ही रखता है या तारीख को पहले भी किया जा सकता है, 25 सितंबर भी किया जा सकता है, या क्या उसको लेकर के बैठक खत्म हो गई है। अब जल्द जो है चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी जाएगी, बाकायदा इसके लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका दीपक शर्मा, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।